हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल में। हर दिन दोस्तों एक न्यूज़ आपके अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत सरकार दोस्तों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों ये जॉब दोस्तों 12th और ग्रेजुएट दोनों के लिए है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको पे स्केल 40,500 तक देखने को मिल सकता हो। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। चलिए दोस्तों आप हम देख लेते हैं दोस्तों कौन से वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NIPR के दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों NIPR रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 1 फरवरी 2022। दोस्तों मतलब यार आज से दोस्तों 5 से 6 दिन पहले ये वैकेंसी आ गई थी दोस्तों। और लास्ट डेट की बात करें रजिस्ट्रेशन की, लास्ट डेट की देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 मार्च 2022 को आपको लास्ट डेट देखने को मिलेगी। फीस पेमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ पर 2 मार्च 2022 तक ही दोस्तों आपको लास्ट डेट फीस पेमेंट करना है। मतलब जिस डेट में दोस्तों रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है उसी डेट में आपको फॉर्म भी फिल करके दोस्तों पेमेंट कर देना है। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मई में एक्सपेक्टेड है एग्जाम डेट, आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी डिटेल की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ देखिए एनी 12th पास कैंडिडेट विथ साइंस सब्जेक्ट। दोस्तों मतलब जो भी 12th पास कैंडिडेट है दोस्तों अगर उन्होंने साइंस से डिग्री प्राप्त कर रखी है कैन अप्लाई फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट दोस्तों, तो फिर वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। बात करें दोस्तों ग्रेजुएट कैंडिडेट की, यहाँ पर दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए दोस्तों, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए दोस्तों ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप बाकी डिटेल के लिए प्लीज नोटिफिकेशन देखिएगा दोस्तों, दी नोटिफिकेशन में सारी चीज दी हुई दोस्तों, और नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अदर डिटेल की। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सैलरी की, सैलरी में देख सकते हैं दोस्तों आपको 25,500 से यहाँ पर 81,100 के बीच में सैलरी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों 12th पास की बात करें दोस्तों तो इनका सैलरी दोस्तों 25,500 से स्टार्ट होगा और दोस्तों अलाउंस मिलाकर इसकी सैलरी बनेगी आपकी 40,000 तक दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन वालों की बात करें तो इनकी सैलरी स्टार्ट होगी दोस्तों 52,000 से और इनकी सैलरी बनेगी दोस्तों 81,100 तक अलाउंस को मिलाकर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पूरा डेटा समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट की बात करें दोस्तों यहाँ आपका एज कैलकुलेट होगा दोस्तों 2 मार्च 2022 के हिसाब से। दोस्तों अगर आप दोस्तों 2 मार्च 2022 को मिनिमम एज दोस्तों अगर आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज दोस्तों 35 साल है तो यार आप इस चीज़ों के लिए एलिजिबल है दोस्तों। याद रखिए आप दोस्तों उम्र दोस्तों 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से दोस्तों अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एज लिमिट को लेकर चले तो दोस्तों आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों 12th पास कैंडिडेट की बात करें दोस्तों तो उसकी मैक्सिमम आपको 27 इयर्स तक देखने को मिलेगी दोस्तों। और बात करें दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की तो दोस्तों ST और SC को यहाँ पर 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों 5 ईयर्स का। और बात करें OBC कैंडिडेट की तो यहाँ पर दोस्तों OBC वालों को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। और फिजिकल हैंडीकैप को भी यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जाम। दोस्तों रिटर्न एग्जाम के ऊपर दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड है। उसके बाद दोस्तों जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो स्किल्स टेस्ट के लिए जाएंगे दोस्तों, मतलब यहाँ पर आपको टाइम पिक टेस्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों इन द फाइनल स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दोस्तों मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फाइनल स्टेज में दोस्तों। आप पहले रिटर्न एग्जाम देंगे, फिर दोस्तों आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट की बात करें दोस्तों वो देना पड़ेगा, फिर दोस्तों डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब दोस्तों यहां पर इंटरव्यू जैसा कोई झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों दिया ऑफिशियल साइट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों एकदम ज्यादा डिटेल दोस्तों यहां पर टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों लगातार चेक करते रहिए, आपको वहां पर डाटा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर दोस्तों मेल कैंडिडेट को आपको दोस्तों 500 रुपये तक एप्लीकेशन फीस देना पड़ सकता है, फीमेल कैंडिडेट को दोस्तों या फिर हैंडीकैप्ड को यहाँ पर एक भी फीस नहीं देना पड़ेगा, देख सकते हैं दोस्तों। जॉब दोस्तों आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये जॉब है, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हाउ टू अप्लाई, दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप वन में बात करें दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों स्टेप टू में आपको दोस्तों पूरा फॉर्म कंप्लीट भर लेना है जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में दोस्तों पेमेंट कर देना है। उसके बाद प्रिंट आउट प्लीज निकाल के रख लीजिएगा दोस्तों, आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फाइनली दोस्तों इसके जॉब लोकेशन की बात करें तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब के अपडेट के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। अगर आपको दोस्तों कोई भी क्वेरीज हो, दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो जितना ज्यादा हो सके यार शेयर कर दीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको दोस्तों हर दिन एक नए गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।